हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज है बहुत 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 स्पेशल दिन। आज है मेरे पति देव का बर्थडे। मेरे बुढ़ऊ थोड़े और बूढ़े हो गए, एक साल और पुराने हो गए ये। तो आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने मैं, मेरा बच्चू और मेरे पति देव जा रहे हैं बाहर। मतलब आप लोगों ने यूजुअली सुना होगा कि लड़कियां मेकअप करने में टाइम लगाती हैं, बट मैं पिछले एक घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ और मेरे सेठ जी दिखाती हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं। देखो ये अभी भी नंगे पुंगे घूम रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बेबी। हैप्पी बर्थडे टू यू सिनू। यार मैं जब भी हैप्पी बर्थडे बोलने को होती हूँ तभी आगे पता नहीं कैसे आ जाता है। मैंने रात को भी बोला तब भी यही आगे आ गया था। हैप्पी बर्थडे। मैं पुच्छी करो हाथ पे लुच्चा। अगर आज शाम तक हाथ पे पुच्छी नहीं ली ना तो देखना तुम। मैं मेरे नेल्स दोस्तों खुद ही बताओ एकदम साफ नहीं है। बताओ क्लीन नेल्स है मेरे। जल्दी लेकर आओ चाबी और फटाक से चलो। तो जी अब हम लोग निकलते हैं बाहर। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली बार जब हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर होकर आए थे तो बेबी रह गए थे। आप लोगों ने बताया ही था कि ये शीनू को लेकर घर आ गए थे, बट इस बार मैं उनको लेके जा रही हूँ क्योंकि उनका बहुत 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 ज़्यादा मन था। और उस दिन ना रात थी तो मैं ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई क्योंकि ठंड बहुत थी, बट आज का मौसम बहुत ही सनी और बहुत ही मस्त मौसम है। तो हम लोग आपको आज दिखाने वाले हैं बाहर कि वो मंदिर एग्जैक्टली कैसा है। मतलब इतना सुंदर है कि आपको खाटू जी की मतलब कमी ही फील नहीं होगी। मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे खाटू जी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है। मेरे पीछे सारा बच्चों वाले सामान दिख रहा है ना। होता है जब घर में बच्चे होते हैं तो सामान भी बच्चों वाले ही दिखता है। तो अब हम फटाक से निकलते हैं और आपको फिर हम मिलते हैं घूमते हुए। खाटू जी जा रहे हैं और ये देखिए लोग यहीं से मतलब बाबा का झंडा लेके हाथों में निकल रहे हैं। और इससे बेबी को भी पता लग रहा है कि हम सही रास्ते पे है क्योंकि इनको रास्ता नहीं पता। ये देखिए लोग यहीं से ले लेके चल रहे हैं। अरे आगे तक बहुत है यहाँ तो, मतलब प्रॉपर इन लोगों ने वो राजस्थान वाले खाटू जी जैसा कर दिया, रिंगस जैसा। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सारे। देखो वो देखिए आगे भी कह रहे हैं। हाँ वो रहे, वो देखो गाड़ी की गाड़ी जा रही है। हमें लग रहा है हम लोग पहुंच ही गए हैं शायद ऑलमोस्ट। और मेरे बच्चू महाराज मेरी गोदी में सो रहे हैं बड़े प्यार से। इनको आज जागना नहीं है क्योंकि इन्होंने रात में 5 बजे तक एकदम शिफ्ट लगाई है मजे से। मेरा मन कर रहा है मैं भी लोग तो तेरी हो गई रे सावरिया सरकार। पूरी रिंगस वाली वाइब्स आ रही है दोस्तों। देखो स्वागत नहीं तो जी आ गए हम लोग फाइनली खाटू जी और बेबी अपनी ड्यूटी पे। मतलब मेरा ऐसा है मेरे साथ कोई भी जाए बेबी मेरी गोदी में छोड़ के सबकी गोदी में होता है। बट ऐसे गलत नहीं समझने का, मेरी बैक में प्रॉब्लम है यू ऑल नो। तो अब हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे वेदर इतना मस्त है। पिछली बार आए थे इतनी ठंड थी और इस बार उतना ही अच्छा मौसम, मस्त है ना मौसम, ना सर्दी ना गर्मी, हल्की हल्की हवा है। मंदिर पे ही लगा रखा है तिरंगा हमारा, तो मस्त लगता है देखने में। कहीं भी वो वाइब्स आती हैं इससे और मुझे अजीत भैया की बेटी याद आ जाती है। सेम टाइम वो 4-5 साल की छोटी गुड़िया सैल्यूट करती है। और ये देखिए सामने लिखा हुआ है खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो अब हम अंदर चलते हैं, वहाँ पे है गेट। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये गेट है। मेरे बर्थडे बॉय जा रहे हैं आज, इनका अपने आप ही मन हुआ, कहते गोलू चल खाटू जी घूम कर आते हैं। तो मैंने कहा जी चलो, अपने बाबा से मिलने के लिए भी हम मना थोड़े कर सकते हैं। देखिए सेठ जी सो रहे हैं, जाग रहे हैं। सो गया सो रहा है मेरा बच्चा। पिछली बार हमें ऐसा बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ा था, बिकॉज बहुत ठंडा था बापरे। क्योंकि आज इनकी गोदी में बेबी है, I'm gonna shoot the whole vlog, तो मैं तो कैमरे के पीछे ही हूँ, बस मेरी बकबक बकबक आ रही होगी। अरे पंडित जी बड़ा प्यारा टीका लगाते हैं, पता है लास्ट टाइम भी लगाया था सबके। आओ जरा लग गया उसके। ये देखिए ऐसे अभी आज बहुत भीड़ है और हम भूल गए थे कि आज एकादशी है। एकादशी है तो बाबा के धाम पे भीड़ आना तो बनता है ना बस। अरे देखिए कितना सुंदर है, यहाँ तो सब स्टॉल्स वगैरह है।
बरसात वगैरह पीछे भी मिल रहा था, आगे भी मिल रहा है। और वो खाने का काउंटर है जहाँ मेरी नज़र ऑलरेडी चली जाती है हमेशा। और सेठ जी दिखाती है, सेठ जी ये छोटे सेठ जी। ओए यहाँ पे लोगों ने अपनी अर्जी लगा रखी है। देखो ये कितने सारे पत्थर के ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर ईंट रखी है भाई। सब अपना मकान बनाना चाहते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेगा, और हाँ जरूर करेगा। तो भैया मेरे गिफ्ट पे कब्जा हो गया, देखो ये जिम गए थे और जिम में इनको मेरे लिए इनके दोस्तों ने गिफ्ट दिया है कि घर जाके भाभी को दे देना। देखो पति पत्नी अर्धांग अर्धांगिनी होते हैं, और शादी के 4 साल बाद तो सिर्फ अर्धांगिनी सब कुछ होती है। अच्छा, तो फिर अभी ये मेरा गिफ्ट है, इसको मैं खोलेगी जस्ट से। अरे रे रे रे, इस पर नाम भी नहीं है। ठीक है, लेके तो मैं आया हूँ, और लोगों को मेरा नाम नहीं पता था। अच्छा, इस वजह से, वरना मेरा नाम लिखवा के नाम बता देना भाई, कमेंट कर देना किसका है। इधर से खेच लेना डायरेक्ट, ये पूरा खोलने में 4 दिन लगेंगे इसको। मेरा बेटा देखो कि तो पेशेंसली लेटा हुआ है, वो कह रहा मम्मी तो खोल आराम से, खुल नहीं रहा थोड़ा सा। तोड़ मत दियो। अच्छा ना, अरे अरे बेचारे को पैक करने में कितना टाइम लगा होगा, तू देर रही है पकड़ के। इतनी देर नहीं देखा तू तो मेरे से, गिफ्ट देख के ना तो हड़क पतूड़ी हो जाती हूँ। किसी का भी गिफ्ट हो मेरे को खोलने जैसा मन करने लगता है, मैं अपनी टाइम करके खोलूं। अरे वाह, आज यही सोच रहे थे लेने की हम लोग, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी वहां पे, मैं थक गई थी बहुत ज्यादा, बैक पेन की वजह से मुझे दर्द हो रही थी तो मैं ले नहीं पाई थी। और देख लो, लेकिन मन इतना सच्चा था कि आ ही गए बाबा घर पे। थैंक यू, ये तो मेरे लिए ये पक्का। थैंक यू जिस भी फ्रेंड ने इनके गिफ्ट दिया उसको बहुत बहुत थैंक यू। ये तो वर्ल्ड बेस्ट गिफ्ट है, सिमरन लाई है लड़की, मस्त है ये, एक नंबर की मस्त। लव यू डार्लिंग, लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच बेटा, इतना मस्त गिफ्ट देने के लिए। अच्छा है, इसका मैं कली मंदिर के अंदर लगाएगी। बहुत अच्छा है, चलो बाबा भी आ गए। अब ये केक भी लेकर आए दो दो, जिनको मैं खोल के अभी काम करने वाली हूँ उनका फटाक से। सच में अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। खाटू नरेश की जय। बिल्कुल सोच रहे थे लेने की, बिल्कुल है बाबू, लेकिन देख भी नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था शरीर में मेरे। ये तो प्यारे से, कितने प्यार से देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं इधर, मेरे को देख रहे हैं, कहीं से भी देख लो, कहीं से ओ सच्ची हो, कहीं से देखो, मैं इधर से भी देख रही हूँ तो लग रहा है देख रहे हैं, इधर से भी देख रही हूँ तो लग रहा है देख रहे हैं। केक कटिंग की तैयारी हो रही है, और आज पहली बार हम 5 लोग एक साथ है। ये देखिए लल्ला 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 और लल्ला के मम्मी पापा। और एक सेकंड में दिखाती हूँ, केक ये लाते हैं, सबके बर्थडे पे केक ये लाते हैं, और खुद के बर्थडे का भी केक ये लेकर आए हैं। तो बेबी कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैंने इनको बोला कि जीवन भैया के पास केक बुक है, केक ले आना अपने बर्थडे का, और पैसे भी खुद ही पे कराना। बेबी मिलेगी ऐसी बीवी? दे मुक्का, दे मुक्का, दोनों दोनों मुक्का तोड़ने को नहीं खाता मैंने। मैं
बेबी तेरा मुंह देख के मुझे दरिंदे जैसी फीलिंग आ रही है। शीनू देखो तेरे पीछे बैठ गए और काना भी हमारा बहुत थक गया था आज। है बाबू बैठ, अरे मेरी जान बैठ तो जा, अरे मेरी कलेजे की छिलकी। तो चलो बेबी इससे पहले कि मॉम मॉम हो जाए केक, चलो काटे केक कटिंग करो। चाकू दो भाई, चाकू दो, चाकू दो, चाकू। अरे लकड़ा का चाकू दे रहे हैं भैया आजकल। नहीं 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 सुनो, काटो काटो केक कटिंग करो। 1 2 3 फूंक मारो क्या? मारो। Happy birthday to you, happy birthday to papa, happy birthday kana shinu lalu ke papa। ये शिनु के पागल हो रहा है, ये अलग से हैप्पी बर्थडे करता है। काटो क्या? काटो काटो। टिक 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 टिक। अब सबसे पहले लड्डू को देना। हाँ कटो लाए उनके। अरे डायरेक्ट मुंह में दे दो, उठा के थोड़ा सा ऐसे सिनो हटो, हटो 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 चटाओ मुंह में। हेलो जी, हेलो जी। हाँ देखो देखो, रुक देखो, ले भी लिया उन्होंने, लग भी गया उनके मुंह पे। हेलो, दूसरा दूसरा नंबर सिनो बाबू का। सेठ जी कह रहे मैं तो पूरा केक खा सकता हूँ बस, और वो अभी ज्यादा छोटा है, उसको नो केक जी। हम इनको केक लगाएंगे, इनकी नोजी पे लगा दिया जाए जी। मेरे को पहले पता होता ना सच्ची में केक ले आएंगे, थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे तो मैं नहीं बैठती, पर मैं क्या करूं, मैं सच में बहुत थक गई थी। अभी इतना ज्यादा नहीं होता है मेरे से ट्रैवल, अब मैं भी खा लेता हूँ। खुद ही खा लो आप, खुद ही खाएगा, मैं क्या करें, कोई खिलाने वाला ही नहीं है। मैं हूँ ना, लेकिन खुद ही खा लो। चलो लो, रो नहीं, नहीं खाना मेरे को। मैं बेबी हम लोगों को ना ज्यादा फैंसी क्लबिंग व्लबिंग शोशा करके पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों को ऐसे ही पसंद है अपना सिंपल तरीके से मनाना, और आज का बर्थडे बहुत अच्छा बीता। काटू जी के दर्शन बेबी पहली बार करके आए दिल्ली धाम के, है ना बेबी? अच्छे हुए दर्शन, दर्शन तो दर्शन हुए, वहां भी मिल गया और घर पे भी आ गए। अब पता है इतना उदास हो गए थे हम लोग कि हम ले नहीं पाए थे तस्वीर, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी बैक में पेन हो रहा था। मैं वहां रास्ते में बीच बीच में बैठने लग गई है, मेरी शक्ल देख रहे लाइन में, पर मैं क्या करूं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी में। उसके बोला कि भैया पहचान मत, मैं घर आ रहा हूं। हाँ वो यू कह रहे, अरे पगलो तुम थक क्यों रहे हो, मैं तो आ रहा हूँ। इसकी नजर देखो भूखे बट्टे की, कह रहा सच्ची भक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। भगवान आपके घर भी आ सकते हैं जी। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इस तरीके से हम लोग बर्थडे बस साथ मनाते रहे जिंदगी भर एक दूसरे के, यही चाहिए। बड़े मने या छोटे बर्थडे बर्थडे होते हैं। और वैसे मैं आपको इनको फेस टू फेस मिलवाना भूल गई थी, तो मिल लीजिए। और ये देखिए कदी हमारी सरकार को, मतलब बर्थडे किसी का भी हो रौनक यही है, यही चमकते हैं हमेशा, चाहे शीनू का बर्थडे हो, चाहे उनका हो, चाहे मेरा हो, और अब तो काना का भी आएगा। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। हाँ शीनू का बर्थडे हमारे जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। एक्चुअली हमारे घर में पैटर्न क्या हुआ है, हम सबके बर्थडे में दो दो महीने के गैप हुए हैं, दो महीने दो महीने दो महीने दो महीने, और कान्हा का और लड्डू गोपाल का तो सेम टाइम पे ही आ गया 10 दिन के गैप में। तो इन दोनों का तो हम साथ ही मनाया करेंगे अब से बर्थडे, क्योंकि वो भी कहा नहीं है और ये भी कहा नहीं। और तू तो तेरे को मुक्का खाना ही है नाक पे, तू तेरे मुक्का। ये थोड़ा ओवर एक्साइटेड है हमारा बच्चा, तीनों बच्चों की एनर्जी इसी में है। और आपने मेरी वैलेंटाइन वाली फोटोज मेरे इंस्टाग्राम पे देखी है नहीं, मुझे जरूर बताना। ये देखो दोस्तों मेरे लक 1 2 3 4 इन चारों की वैलेंटाइन में अकेले थी। ये मुझे नहीं बोलने देगा आज, ये बोलने देगा इसकी नाक में थूथड़ी मोर दो। अच्छा नहीं बैठने दो, बैठने दो, वो कह रहा है कोई भी दो हाथ चाहिए पंगे लेने मेरे को। तो ये हमारे घर की तो पागलबंदी चलती रहेगी, इन सब लड़कों से मुझे अकेले ही डील करना है, तो आई हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट। उसको देखो अब, ये चाहिए था इसको पंगे लेने के लिए। अब ये बिल्कुल देख लो मेंटल जिया कुत्ता, एक मार दूंगा, मार दो भाई मार दो। मीनवाइल मैंने फोटो भी खींच ली। हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप हम लोगों को ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। और इस हफ्ते थी बर्थडे, नेक्स्ट वीक एम वन मोर सेलिब्रेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी ग्रैंड, बिकॉज मैंने इस बार इनको बोल दिया मुझे पार्टी चाहिए। 4 साल होने वाले हैं दोस्तों, एनिवर्सरी आ रही है हमारी, और अभी तक केक कटिंग नहीं हुई है हमारी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, मेरा बेबी रोने लग गया, ठीक है? तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, और इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिए। जय श्री खाटू श्याम, बाय बाय।